नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव शिवर। शिवर विधानसभा के भावी प्रत्याशी पत्रकार संजय गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि शिवर जिले में स्वर्गीय रघुनाथ झा को छोड़कर किसी विधायकों ने ध्यान नहीं दिया, जिस कारण शिवर जिला बद से बदतर स्थिति की ओर है। भावी प्रत्याशी पत्रकार संजय गुप्ता ने बताया है कि यह धरती ठाकुर नवाब सिंह व पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ झा जैसे महान देशभक्तों का है। यहाँ पर उनके अधूरों कार्यों को मैं पूरा करने का सपना है। श्री गुप्ता ने बताया है कि उनके आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए मैंने कई बार विधायक एवं लोकसभा का चुनाव लड़ने का प्रयास भी किया तथा लड़ा भी। इसी तरह आज शिवर विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा करता हूँ तथा नामांकन भी दूंगा। प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजय गुप्ता राष्ट्रीय सहारा अखबार के ब्यूरो चीफ भी हैं तथा शिवर के सबसे बड़े सोशल मीडिया के शिवर लाइव न्यूज पोर्टल के माध्यम से शिवर के हर खबर पर पैनी नजर रखते हैं तथा विस्तारपूर्वक लिखकर खबरों को परोसते हैं, जिससे पल पल की जानकारी आम जनता को मिल जाती है। प्रेस वार्ता के दौरान श्री गुप्ता ने बताया है कि शिवर महान स्वतंत्रता सेनानियों की धरती रही है, बागमती के गोद में बसा भी हुआ है। सरकारी आवंटन के बावजूद भी पिछले कई विधायकों ने रत्ती भर काम नहीं किया, जिस कारण आज बेलवा घाट पर पुल व सड़क का निर्माण नहीं हो सका, खौड़ी पाकर पुल का निर्माण नहीं हो सका। सबसे चर्चित मांग जिले को रेलवे का आधारशिला रखने के बावजूद अब तक रेलवे का कार्य नहीं किया जा रहा है। उच्च शिक्षा के लिए हमारी बिटिया बाहर जाने को मजबूर है, यही नहीं सरकारी योजनाओं को लाभ आम जनता तक पहुंच नहीं पाता है। स्थिति बदतर हो गई है, ग्रामीणों का हाल भी बहुत बुरा है। उन्होंने घोषणा की है कि हम चुनावी मैदान में इन्हीं समस्याओं को लेकर आम जनता के बीच जाएंगे तथा पिछले कई विधायकों को किए गए कार्यों को रखेंगे और इसी आधार पर हम वोट मांगेंगे। हमारी जीत सुनिश्चित होगी क्योंकि हमने समाज में बहुत सेवा की है लोगों को। मैं संजय गुप्ता, ये शिवर की धरती ठाकुर नवाब सिंह जी और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवर जिला के जनक स्वर्गीय रघुनाथ झा की धरती है। उन्हीं के आदर्श प्रेरणा से हम पिछले कई वर्षों से विधायक एवं लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हमें मानना है कि शिवर के जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे स्वर्गीय रघुनाथ झा, अपने विधायक काल में शिवर जिला की स्थापना की है, उसके बाद से किसी विधायकों ने शिवर के लिए कोई विकासात्मक कार्यों के लिए ध्यान नहीं दिया, जिस कारण हमारा शिवर जिला बहुत ही पिछड़ा है। आप देख लीजिए ग्रामीण सड़क का देख लीजिए, वर्षों से मांग लंबित है रेलवे का परियोजना आधारशिला रखने के बाद रेलवे का कैंसिल कर देना, बाढ़ के समय देखिए बारिश कितना पानी सड़क को तबाह करता है, कोई खाना पूर्ति कर सब छोड़ देते हैं। यहाँ का जन प्रतिनिधि किसी भी प्रकार का जन सरोकार से जुड़ा हुआ नहीं है। सर, किस पार्टी से आ रहे हैं आप? हम अभी घोषणा नहीं किए हैं, करूंगा। मेरा नामांकन 10 तारीख को सुबह पहले करूंगा समानालय में अनुमंडल। अगर आप जीते तो आपका उद्देश्य क्या होगा? मेरा खास करके युवाओं के लिए मेरा उद्देश्य होगा कि जो युवाओं की मांग है, यहाँ की रेलवे, खोरी पाकर पुल, ग्रामीण सड़क को सुदृढ़ीकरण करवाना, सरकारी योजनाओं को हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। किसी भी प्रकार का सरकारी योजनाओं का बंदरबाट नहीं होगा। मैं इसके लिए खूब संघर्ष करूंगा और संघर्ष करता ही रहूंगा।